कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव रोकने के लिए राज्यों में संक्रामक रोग प्रतिबंधक कानून लागू किया गया है। सरकार ने 13 मार्च को लागू की अधिसूचना के आदेश अनुसार बुधवार को शहर के सुप्रसिद्ध गणेश टेकड़ी मंदिर व दीक्षा भूमि श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ सरकार के आगामी आदेशों तक बंद किए गए। जिलाधिकारी के आदेशानुसार बुधवार की सुबह शहर के दो प्रसिद्ध स्थान टेकरी गणपति और दीक्षा भूमि को सरकार के आगामी आदेशों तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया है। कोरोना का प्रादुर्भाव रोकने व श्रद्धालु व पर्यटकों की भीड़ न हो, इसीलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह इंतजाम किए गए हैं। कोरोना फैलाव न हो, इसलिए सरकार द्वारा धारा 144 व जमावबंदी भी शहर में लागू कर दी गई है। राज्य में कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव रोकने के लिए जो है संक्रामक रोग प्रतिबंधक कानून को जो है लागू कर दिया गया है, और जिलाधिकारी और शासन के निर्देशानुसार जो हम देख पा रहे हैं शहर का जो टेकड़ी गणेश मंदिर है वो भी आज से जो है बंद कर दिया गया है। आप देख पा रहे हो टेकड़ी गणेश मंदिर का जो मेन गेट है वहाँ पे ताला लगाया दिख रहा है, और साथ ही एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पर सूचना भी दी गई है कि मंदिर जो है शासन आदेशानुसार 18 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहने वाला है। दर्शकों के भक्तों के सुविधा के लिए ये बोर्ड लगाया गया है, और भक्तों ने भी यहाँ पूरा सपोर्ट किया ऐसा दिख रहा है। और आज जो है आज से ये टेकड़ी भगवान जो गणेश मंदिर है वो बंद किया गया है शासन आदेशानुसार। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, NBCN न्यूज़ नागपुर।